कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 9.3 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी प्रश्न क्रमांक 18 अनुक्रम 8 88 888 8888 डेढ़ डेढ़ के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। Sn बराबरी से 8 धन 88 धन 888 धन 8888 धन डैश डैश। सबसे हम 8 को कॉमन निकाल लेंगे। 8 को जब कॉमन निकाल लेंगे तो पहला पद 1 दूसरा 11 धन धन 111 धन 1111 धन डैश डैश। इसके अंश और हर में 9/9 का गुणा, तो 9 का गुणा अंदर कर देंगे और 9 का भाग बाहर, कुछ इस प्रकार से 8/9 9 धन 99 धन 999 धन 9999 धन डैश डैश। अब इस 9 को हम किसको, हम 9 को लिख सकते, क्या लिख सकते, देखिए इस 9 को हम लिख सकते क्या, 9 बराबरी से 10-1। ऐसे ही 99 को हम लिख सकते क्या, 100-1। ऐसे ही बाकी सारे पदों को हम चेंज करेंगे तो क्या लिखा हमने, 8/9 9 को लिखा हमने क्या, 10-1। 99 को लिखा 100-1, 9999 को लिखा 1000-1। अगले को लिखा हमने 10000-1 धन डैश डैश। अब इनको 10 को तो वैसे ही रहने दे 10-1, लेकिन अगले को 10^2-1, फिर 10^3-1, 10^4-1। अब आगे देखिए 8/9 10, 10^2, 10^3, 10^4 इनको हम अलग कर ले तो हमारे पास हो जाएगा क्या, 10^2, 10^3, 10^4 धन डैश डैश। कहाँ तक, 10^n तक के ये पद है। धन ब्रैकेट में ऋण एक फिर ऋण एक, ये कितने बार है, ये हमारे पास है n टाइम्स, n बार, ये हमारे पास कितने हैं, n टाइम। अगली स्टेप में 8/9 इसके n पदों के योगफल को 10^(n-1)/, क्या लिखे, 10-1। और ध्यान से देखिए तो क्या, ऋण एक कितने बार, n बार, तो क्या हो जाएगा ऋण, या हमने क्या फार्मूला लगाया, काहे का गुणोत्तर श्रेणी के कितने n पदों का योगफल, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल वो होगा Sn बराबरी से a क्या r^(n-1)/r^n। इसको हल करेंगे तो मान आएगा Sn बराबरी से 8/9 ब्रैकेट में 10/9 10^(n-1)/n। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।